इरफान शेख आपको यहाँ पर कमेंट्री बॉक्स में आना है। ऑर्गेनाइज कमिटी हमारे इरफान शेख आपको कमेंट्री बॉक्स में तुरंत पहुंचना है। आइए मैन ऑफ द मैच एक बार फिर से, बहुत गजब का जिनका परफॉर्मेंस था, टीम को बहुत अच्छे तरीके से संभाल रहे हैं, वन एंड ओनली अर्जुन। देखिए यहाँ पर डिसीजन आता हुआ और ये इट्स अ सिक्स, छः रन मिलेंगे मैक्सिमम मिलेगा यहाँ पर सिक्स। गेम की शुरुआत करी है, यहाँ पर अंपायर का डिसीजन भी आ चुका है कि वो सिक्स है। गेम की शुरुआत करनी है, समय लेना नहीं है ज़्यादा, स्वयं इलेवन प्लीज़ आपकी फील्डिंग तुरंत सजा ले। इट्स अ सिक्स, छः रन की मदद से स्कोर हो चुका है अभी 18। ये छः की मदद से स्कोर हो चुका है 18 रन। अशफाक की दूसरी गेंद में यहाँ पर काफ़ी कंफ्यूजन था उस शॉट को कि बिग शॉट था कि क्या था मैक्सिमम, लेकिन डिसीजन आ चुका है अंपायर के द्वारा, वो सिक्स है और छः की मदद से स्कोर पहुँच चुका है 18 रन। अभी यहाँ से 24 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। यस इट्स अ सिक्स। गेम की शुरुआत करनी है, स्वयं इलेवन निशान अशफाक, सभी टीम के खिलाड़ी प्लीज समय के मामले में सहयोग करें। बली स्केड्यूल काफी लेट चल रहा है। चौबीस रन चाहिए यहां से मैच को जीतने के लिए जगदीश इलेवन को। देखिए क्या कुछ होगा अशफाक की अगली डिलीवरी दूसरे में। पहली गेंद काफ़ी अच्छी गई थी, केवल एक रन खर्च किया था, उसके बाद सिक्स यहां पर उनके दूसरी गेंद में गया। देखते हैं चार गेंदें किस प्रकार होगी, क्योंकि जैसे हमने कहा था कि काफ़ी महत्वपूर्ण ओवर है, वेरी क्रुशियल ओवर। थोड़ी सी वेरिएशन लाए थे वहां पर, लॉन्ग रन की दिशा पर गेंद जाती हुई, वहां पर थोड़ी मिसफील निशान के द्वारा, लेकिन अच्छा बैकअप वहां पर। लेकिन तेज कदमों के साथ यहां पर दो रन पूरे किए, दो रन की मदद से स्कोर हुआ है टोटल यस 20 रन। मिस फील्ड हुई निशान के द्वारा, एक अच्छे खिलाड़ी अच्छे प्लेयर के द्वारा वहां पर मिस फील्ड पूरा फायदा हुए उठाया। जैसे मिस फील्ड हुई उनके हाथ से छुटी और दूसरा रन भी तेज कदमों के साथ उन्होंने पूरा किया। 20 रन पे पहुंच चुकी है जगदीश 11। फिर से मुड़ते हुए वहाँ पर गति नहीं है अशफाक की गेंदबाजी में, लेकिन हर एक वेरिएशन में यहाँ पे डायरेक्ट हिट मारना चाहते सौरव माली, लेकिन डायरेक्ट हिट नहीं लगी, लेकिन एक रन जरूर मिलेगा। अच्छा वहाँ पे निशान मौजूद थे पीछे, डायरेक्ट हिट मारा वहाँ पर सौरव माली ने, लेकिन एक रन जरूर मिलेगा। एक की मदद से स्कोर आगे सरकता हुआ 21 रन। देखिए एक सिक्स खाने के बाद अच्छी वापसी हम कह सकते हैं अशफाक की, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर एक आध विकेट मिलती है तो एक अच्छा दबाव बना सकती है, क्योंकि एक हार्ड हिटर बल्लेबाज राज पाटिल अभी भी स्ट्राइक पर मौजूद।
21 रन चाहिए अभी भी यहाँ सर मैच को जीतने के लिए 21। इस बार खेल दिया है आउट ऑफ द पार्क मैक्सिमम सिक्स आर। गेंद देनी है इस छह के मदद से। स्कोर हो चुका है टोटल 27 रन। जरूरत ही है बड़े शॉट आने की, लेकिन जैसे हमने कहा था हार्ड हिटर बल्लेबाज अभी भी वहां पे मौजूद है राज पाटिल, और उन्होंने उनका पूरा काम किया और बड़ा शॉट उनके बल्ले से निकलता हुआ सिक्स आर। तो स्कोर पहुंच चुका है 27 पे और अब रन चाहिए यहां से जीतने के लिए केवल 15। अश्वाक की शुरुआत काफी अच्छी हुई थी, एक रन से, उसके बाद एक बड़ा शॉट आया, उसके बाद दो रन दिए, उसके बाद सिंगल, उसके बाद अभी फिर एक बड़ा हिट जगह पे खेल जगह से खेला वहां पर राज पाटिल ने और भेज दिया था एक बड़े शॉट के लिए। मैक्सिमम निकला यहाँ पर। आखिरी गेंद बची है अश्वाक की। यहाँ पर अस्पाकी चाहेंगे कि ये डॉट गेंद हो, कोई रन ना आए, लेकिन राज पाटिल भी यही चाहेंगे कि कोई बड़ा शॉट निकले और आखिरी ओवर में कम से कम रन आई। इस बार अच्छी गेंद घूमकर खेलना चाहते थे, लेकिन डॉट बॉल विकेट कीपर के पास। तो ओवर समाप्त हुई यहां पर तीन ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर हुआ है 27। अब छह गेंदे और मैच को जीतने के लिए रन चाहिए 15 रन। व्हाट अ मैच। देखिए क्या कुछ होगा, कौन होगे वो आखिरी गेंदबाज जो छह गेंदे काफी अलग अलग वेरिएशन से करेंगे और हार्ड हिटर बल्लेबाज राज पाटिल और शुभम दोनों को रोक के रखेंगे। लेकिन दोनों बल्लेबाज भी चाहेंगे कि शुरुआत में ही कोई बड़ा हिट आ जाए ताकि आने वाली पांच गेंदों का सामना काफी अच्छे से करे और मैच के टारगेट तक पहुंच पाए। आखिरी छह गेंदे, रन चाहिए 15 रन। हम लोग कुछ लेके ही नहीं आते हो, बेशरम लोग कैसा आ जाते हो। छह डिलीवरी और रन चाहिए 15। अश्फाक अगर अश्फाक की ओवर थोड़ी महंगी साबित हुई, यहाँ पर टोटल 16 रन खर्च किए। जैसे हम कहते हैं कि जो सेकेंड लास्ट ओवर होती है उसमें वो इम्पोर्टेंट ओवर होती है, क्योंकि अगर उसमें से कम रन खर्च होते तो आखिरी ओवर में ज़्यादा से ज़्यादा रन होते। लेकिन इस बार अश्फाक अगर देखें उनकी ओवर में टोटल 16 रन खर्च हुए, उनके ओवर में दो मैक्सिमम हमें दिखाई दिए और यहाँ पर अच्छी बल्लेबाजी यहाँ पर राज पाटिल करते हुए और उनका अच्छा साथ निभा रहे शुभम के बल्ले से भी हमें एक मैक्सिमम एक सिक्स हमें देखने मिला है और राज पाटिल के बल्ले से हमें दो बड़े शॉट देखने मिले। इस बार जगह से खेल दिया है, वहां पर खिलाड़ी मौजूद, आसान सा कैच और शुभम की पारी समाप्त। पहली गेंद में बड़ा शॉट खेलना चाहते थे और फंस गए पहली गेंद में। शरद शरद पहली गेंद में सफलता हासिल की और अभी रन चाहिए 5 गेंदे और रन चाहिए 15 रन। शुरुआत में ही खेलना चाहते थे एक बड़ा शॉट शुभम, लेकिन उस बाउंड्री लाइन को क्रॉस नहीं कर पाए और वहां पर सिंपल एक आसान सा कैच वहां पर लॉन्ग ऑफ की दिशा पर वहां पर मिला और शुभम की पारी समाप्त हुई। नए बल्लेबाज जयेश, देखते हैं कि जयेश क्या कुछ कर पाते हैं। 5 गेंदों का सामना करना है दोनों बल्लेबाज को, जयेश और राज पाटिल को, कि 5 गेंदों में 15 रन इस मैच को जीतने के लिए। इस बार खेल दिया है लॉन्ग ऑन की दिशा पर और क्या कुछ हुआ है वहां पर, इट्स अ सिक्स। देखिए जो जरूरत थी यहां पर एक शॉट आने के लिए वहां पर वो जरूरत को यहां पर पूरा किया। आते ही जयेश ने वहां पर स्वागत किया वहां पर शरद का, उनके बल्ले से ये निकलता हुआ 6 रन से खाता खोला और 6 की मदद से स्कोर हुआ है टोटल 33 रन 33। अब चाहिए 9 रन, 4 गेंदे 9 रन मैच को जीतने के लिए। देखिए डगआउट में कितनी खुशी नजर आ रही है ये शॉट आने से। जयेश ने वहां पर आते ही खाता खुला 6 रन से, रन चाहिए 4 गेंदों में अभी 9 रन। व्हाट अ मैच, दर्शकों को भी मजा आ रहा है इस मैच को देखने में। ये मैच होना चाहिए कट टू कट मैच होना चाहिए, तो हमारे दर्शक जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको भी मजा आता है क्रिकेट को देखने में।
चार गेंदे, देखते हैं कौन से वेरिएशन लेके आते हैं शरद। इस बार काफी घूम चुके थे वहां पर जयेश वो शॉट को एग्जीक्यूट करने के लिए, लेकिन अच्छी गेंद, अच्छी यहां पर वापसी। एक सिक्स खाने के बाद केवल एक रन मिला दोनों बल्लेबाजों को, एक के मदद से स्कोर आगे सरकता हुआ 34 रन। रन चाहिए अभी 8, 3 बॉल 8 रन। व्हाट अ मैच, व्हाट अ मैच। बोलो हमारा बिल्कुल तैयार रहना है, हमारा आपको बिल्कुल रेडी रहना है। इसके बाद आपको पूरी फील्डिंग सजा लेनी है पूरी टीम के साथ। 8 रन चाहिए, स्पेशली बोलो मनोवर, 8 रन चाहिए, 3 गेंदों में 8 रन। व्हाट अ मैच, जबरदस्त मैच हम देख रहे हैं दोनों टीम को, टीमों के बीच में अभी तक कहा नहीं जा सकता कि मैच कहाँ घुमा है और किसके पक्ष में मैच गया है। ये तीन गेंदें काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। शरद मूर्ति हुए, 3 बॉल 8 रन, इस बार खेल दिया है घुमाकर वहां पर और जाती हुई आउट ऑफ द पार्क, मैक्सिमम सिक्सर। अब यहाँ पे से रन चाहिए केवल 2, 2 बॉल 2 रन। राज पाटिल आखिरी तक डटे हुए और मैच को यहाँ पर देखते हैं कि फिनिश कर पाएगी कि नहीं। लेकिन शरद देखते हैं कि आखिरी 2 गेंदे और 2 रन चाहिए, लेकिन अश्वाक वहाँ पर आते हुए उनको समझाते हुए कि काम रहे, कूल रहे और 2 डिलीवरी काफ़ी अच्छे से करे, थोड़ा वेरिएशन लाए और राज पाटिल को थोड़ा चौंका दे। लेकिन राज पाटिल भी यही चाहेंगे कि ये 2 रन एक बिग शॉट के साथ मैच को फिनिश करे और मैच को जीते। शरद की 2 गेंदे और रन चाहिए केवल 2। स्कोर वाइज टोटल 40 रन, 40 2 गेंदे 2 रन, 2 में 2 और एक अच्छा मैच हम देख रहे हैं। जबरदस्त मैच, जबरदस्त क्रिकेट और वहां पर बल्लेबाजों को काफी मुड़ते हुए शरद अपनी 2 डिलीवरी के लिए, देखते क्या कुछ निकलेगा। इस बार वाइड बॉल, ये था दबाव और वाइड कर बेटे यहाँ पर। अब रन चाहिए 2 बॉल 1 रन। देखिए वहां पर कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी और एक रन तोहफे के रूप में मिला यहाँ पर। स्कोर हुआ 41 रन, 41 रन चाहिए यहाँ पर अभी 1 रन, 2 बॉल 1 रन, तोहफे में 1 रन दे दिया शरद ने। 2 बॉल 1 रन घेर लिए वहां पर राज पाटिल को। इस बार अच्छी गेंद और निशान वहां पे मौजूद और आउट। राज पाटिल की पारी समाप्त। अब मैं रन चाहिए 1 बॉल 1 रन। क्या कुछ होगा, व्हाट अ मैच, क्या मैच देखने मिल रहा है दोनों टीमों के बीच में। मैच छोड़ने के लिए तैयार नहीं है कोई भी टीम, चेसिंग कंपलसरी है, इस बात का ध्यान रखे दोनों ही टीमें इस टूर्नामेंट में, अमान ट्रॉफी 2024 में चेसिंग कंपलसरी एंड ट्रेसिंग कंपलसरी। 1 बॉल 1 रन, रन पूरा नहीं कर पाए, रन आउट होकर अपनी पारी समाप्त हो गई राज पाटिल को, अंत में अपनी विकेट गवाई। 1 बॉल 1 रन, अब स्ट्राइक आ चुकी है जयेश के पास। जयेश के ऊपर बहुत कुछ निर्भर रहेगा। अभी मैच हम देखे तो जयेश और शरद के बीच में हो चुका है, क्या कुछ निकालेंगे। थोड़ी सी फील्डिंग में देखते हैं कि निशान डिस्कस कर रहे कि कहाँ पे फील्डिंग लगाए और एक रन को रोके, चेसिंग कंपलसरी है, एक रन बनाना ही होगा इस मैच को जीतने के लिए जगदीश 11 को। और गेंदबाज शरद भी चाहेंगे कि ये गेंद काफी अच्छे से निकले, डॉट बॉल हो और बल्लेबाज को मौका ना मिले, संपर्क ना बने गेंद और बल्ले का और विकेट कीपर के पास चली जाए। लेकिन बल्लेबाज जयेश एक अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे, शुरुआत में स्वागत किया था छक्के से, लेकिन देखते बहुत क्रुशल मोमेंट आ चुका है यहाँ पर जयेश के पास और जयेश देखते कि क्या कुछ होगा उनके बल्ले से। 1 बॉल 1 रन, हमारे सभी दर्शक भी खड़े और मैच का पूरा आनंद उठाते हुए 1 बॉल 1 रन। फील्डिंग काफी वहां पर क्लोज कर दी गई है, अम्ब्रेला फील्डिंग सजा दी गई है, जयेश को वहां पर घेर लिया है पूरा। 1 बॉल 1 रन, शरद मुड़ते हुए, ओहो यहाँ पर डॉट बॉल, इसके साथ अच्छी जीत, स्वयं 11 ने मैच को जीत लिया है वहां पर। अच्छी गेंद डॉट गेंद के रूप में चलेगी सीधा विकेट कीपर के पास, काफी निराश, काफी निराश जयेश। 1 बॉल 1 रन चाहिए था लेकिन बल्ले पे कनेक्ट नहीं कर पाए और अच्छी जीत। कॉन्ग्रेचुलेशन स्वयं 11 एंड हार्ड लक जगदीश 11। ये देखिए महेंद्र बेरडिया, 2 रन लगे थे पेनल्टी के, 2 रन ले डूबे, इसीलिए कहते हैं कि पेनल्टी बहुत महंगी साबित होती है। एक बार ऐसे